सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव कम्पलीटेड इंटरमीडिएट केमिस्ट्री फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स स्ट्रक्चर ऑफ़ इंटरमीडिएट्स ऑल दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट केमस्ट्री दैट इज नोन है स्टीरो केमस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक इट विल टेक एटलीस्ट टेन टू ट्वेल्व लेक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टेंड कम्पलीट स्टीरोमिस्ट्री सो आई होप आप सारे लेक्चरस को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से समझ के इनके नोट्स बनाएंगे साथ साथ बिकॉज किसी भी एग्जाम में जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो स्टीरो केमिस्ट्री से रिलेट होता है नाउ लेट अस डिस्कस केमिस्ट्री व्हाट इज केमिस्ट्री स्टीरो केमिस्ट्री इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मालिक्यूल इन थ्री डी जियोमेट्री हमें मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है इन थ्री डी इन थ्री डी जियोमैट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री ऑफ मालिक्यूल इन स्पेस वी हैव टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री ऑफ मालिक्यूल इन स्पेस सी हमारे पास टू डी हो टू डी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास टू डी होता है फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड इज अ टू डी ऑन दिस टू डी वी हैव टू रिप्रेजेंट अ थ्री डी जियोमेट्री मीनस हमारा मालिक्यूल जो है वो थ्री डी में अगर रिप्रेजेंट करना है लेकिन टू डी प्लान पर रिप्रेजेंट करना है हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करते हैं सो टॉपिक विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मालिक्यूल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ थ्री डी मालिक्यूल ऑफ थ्री डी मालिक्यूल ऑफ थ्री डी इन टू डी हम थ्री डी को टू डी में कैसे शो करेंगे दैट विलर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशी जियोमेट्री इन टू डी जियोमेट्री देर आर वेरियस रिप्रेजेंटेश हमारे पास फर्स्ट रिप्रजेंटेशन है दैट इज वेज डैश रिप्रजेंटेशन वेज डैश रिप्रजेंटेशन हम हर एक रिप्रेजेंटेशन को In very detail, explain Karingei because these are very important. Number second is Fisher projection, Fisher representation or Fisher projection formula, Fisher representation. Number second is Fisher representation, and number third is Sahar's representation, Sahar's representation, Sahar's representation. Sahar's representation. Number fourth is Newman representation. जेंटेशन नंबर फोर्थ इज न्यू मैन रिप्रेजेंटेशन वाई है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहले वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल वेज डैश रिप्रेजेंटेशन मीन थ्री डी रिप्रेजेंट हम करेंगे ऑन टू डी बोर्ड इस बोर्ड पर जो टू डी है जिसमें हमारा ये प्लान है इस प्लान में हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्री डी मोलिक्यूल बाई वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट टॉपिक विल बी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टीरोमिस्ट्री वेज डैश रिप्रजेंटेशन सी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं हम बेसिकली इस बोर्ड फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्लान दिया ये हमारे पास एक प्लान है इस प्लान में हमारा मालिक्यूल है यहाँ पर हमारे सेंटर में कोई आइटम है फॉर एग्जाम्पल कार्बन यहाँ सेंटर में है जैसे कार्बन एटम ये हमारा सेंटर में कार्बन एटम है यहाँ पे इस प्लान में ये हमारा प्लान है इस प्लान में हमारे दो एटम्स है एक ग्रुप हमारा यहाँ से है एक ग्रुप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप हमारा यहाँ से एक ग्रुप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारा क्लोरीन है यहाँ से हमारा फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप है सो दीज आर द ग्रुप्स वीच लाई इन द प्लान यह मालिक्यूल प्लान में दिस मालिक्यूल इज इन प्लान बट वी नो दैट कार्बनटर इट फॉर्म फोर बॉन्ड्स मीनस इफ द टू ग्रुप्स आर टू like, ग्रुप्स तो वो दो ग्रुप्स कहाँ होंगे एक्चुअल में ये हमारा प्लान है इस प्लान में हमारा मालिक्यूल है कौन सा मालिक्यूल कार्बन इस कार्बन में यहाँ से क्लोरिन है और यहाँ से हमारे पास सी एच थ्री ग्रुप है अगर मैं इस मालिक्यूल को ऐसे व्यू करूंगा आई कैन सी दिस कार्बन और जो दो ग्रुप्स हैं जो दो ग्रुप्स और हैं वो एक ग्रुप या तो यहाँ से होगा दैट मीन्स एबो द प्लान इस प्लान के ऊपर से एबो द प्लान और एक ग्रुप यहाँ से होगा दैट इज बिहाइंड द प्लान एक ग्रुप होगा एबो द प्लान और ए ग्रुप होगा वन ग्रुप विल भी बिहाइंड प्लान अगर मैं इस अब मालिक्यूल को देख सकूँगा आई विल सी द ग्रुप विच इज़ एबो द प्लान मैं इस ग्रुप को देख सकता हूँ जो एबो द प्लान है एंड अगर मैं इस मालिक्यूल को यहाँ से देखूँगा देन आई विल सी द्रुप विच इज़ बिलो द प्लान मीनज मोस्टली आई कैन सी द ग्रुप विच इज एबो द प्लान एंड आई कैन नॉट विजुअलाइज द ग्रुप विच इज़ बिलो द प्लान तो यहाँ पे और दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो इन थ्री डी होते हैं दिस ग्रुप इज ग्रुप लाइंग एबो द प्लान एंड दिस ग्रुप इज ग्रुप लाइंग बिलो द प्लान मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वाइट बोर्ड है इस वाइट बोर्ड में हमारे पास कार्बन है इस कार्बन के पास दो ऐटम्स जुड़े हुए हैं ये ऐटम्स इन द प्लान है अगर इसके पास दो और ऐटम्स होंगे एक ऐटम यहाँ से इस बोर्ड से बाहर आएगा दैट विल भी एटम एबो द प्लान और एक ऐटम जो होगा वो इस बोर्ड के पीछे होगा दैट विल बी एटम बिहाइंड प्लान तो वैश स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं जो भी एटम्स एबो द प्लान होते हैं उनको हम सोलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेज लाइन दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेज लाइन दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेज लाइन सॉलिड वेज लाइन आप इस लाइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेज लाइन और समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज थिक लाइन इट्सो थिक लाइन इट्सो कॉल्ड बोल्ड लाइन तो जो भी ग्रुप हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या इससे सॉलिड वेज से या थिक लाइन से

और अगर हम डैशड लाइन से डैशड वेज लाइन से दिखाएंगे देन दिस इंडिकेटर्स ग्रुप बिहाइंड बिहाइंड दिस वाइट बोर्ड आर बिलो द प्लान इट इंडिकेटर्स ग्रुप बिलो द इंडिकेटर्सो दलान दिसन शोज लाइज बिलो द दिस लाइन शोज द ग्रुप लाइज बिलो द दिस डैशड वेज लाइन इंडिकेटर्स द ग्रुप लाइज दिस इंडिकेटर्स द ग्रुप लाइज बिहाइंड द पलान फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है देन दिस हाइड्रोजन इज बिहाइंड द प्लान सो so, अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में एक ग्रुप एबोद प्लान है तो एबोदा प्लान यहाँ हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यहाँ से एबोद प्लान और बिहाइंड द प्लान हमारा हाइड्रोजन एटम है दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डी थ्री डी स्ट्रक्चर इन टू डी इन टर्म्स ऑफ वेज डेश स्ट्रक्चर सो कभी भी अगर हमें वेज डे स्ट्रक्चर बनानी होगी तो आपको याद रखना है ये जो ग्रुप है जो इस लाइन से इंडिकेट होता है दिस लाइन इट इंडिकेट ग्रुप एबो द प्लान

ये हम मालिक्यूल यहाँ पर लेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सी एच थ्री है और यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप दिस ग्रुप इज एबो द प्लान ये एबो द प्लान कोई ग्रुप है फॉर एग्जांपल दिस इज ओ एच और यहाँ से बिलो द प्लान फॉर एग्जांपल हमारा क्लोरीन है अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाना चाहूँगा घुमाना मीनस इफ़ आई ड्रॉ एन एक्सीज लाइक दिस अगर यहाँ से कोई एक्सीज लगाऊंगा इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूँगा थ्रो एक, दिस एक्सीज इस एक्सीज से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा means आई एम रोटेटिंग दिस molecule through 180 degree. डिग्री आई एम रोटेटिंग दिस through 180 degree. डिग्री तो क्या होगा ये जो इनके बीच में जो ग्रुप्स इन द प्लान हैं इनके बीच में जो ये पार्ट है इसको कहते हैं केविटी इसको कहते हैं केवटी तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाऊंगा अगर मैं इस मालिक्यूल को वन डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या होगा ये जो केविटी नीचे की तरफ है यह केविटी ऊपर की तरफ चली जाएगी मीन्स द मालिक्यूल विल लुक लाइक दिस मीनस केविटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल गेट चेंज यहाँ केविटी बिलो की तरफ थी मतलब नीचे की तरफ थी जब मैंने इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट किया के तो केविटी ऊपर की तरफ चली गई अब जब केविटी ऊपर की तरफ चली गई ये सी एच थ्री यहाँ आएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आएगा ना अब क्या होगा ये जो हमारे ग्रुप्स हैं अब देखो ये हमने क्या किया ये हमारे मॉलिक्यूल की केविटी थी दिस वॉज द केविटी ऑफ द मॉलिक्यूल ये एक केविटी थी हमारे मॉलिक्यूल की इस KUTI में जो ये ग्रुप यहाँ से था एबो द प्लेन अब मैंने इस केवटी को क्या किया घुमा के मैंने इस केवटी को ऐसे बना दिया जो ग्रुप एबो द प्लेन था वो ग्रुप बिलो द प्लेन आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे जो ग्रुप जो ये ओ एच है ये एबो द प्लेन था अब ये बिलो द प्लेन चला जाएगा और ये जो क्लोरिन बिलो द प्लेन है ये अबो द प्लेन चला जाएगा ये एबो द प्लेन चला जाएगा दिस इज क्लोरीन विच विच कम्स एबो द प्लेन सो so, हमने क्या किया हमने इस मालिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट किया 80 डिग्री रोटेट करने से क्या हुआ जो हमारी केवटी नीचे की साइड थी वो केवटी ऊपर की साइड चली गई केवटी ऊपर चलने से क्या हुआ ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हुआ ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये ओ एच ग्रुप यह एबो द प्लान था यह आप बिलो द प्लान चलाया जाएगा और यह क्लोरिन एबो दिलो द प्लान था यह आप एबो द प्लान चलाया जाएगा ना सी दिस इज रोटेशन बाई वन एटी हमने इस मालिक्यूल को वन एट्टी डिग्री रोटेट किया हम इस मालिक्यूल को एक और तरह से भी रोटेट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम इस मालिक्यूल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री से अगर हम इस मालिक्यूल को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे मीनस हम सिर्फ इसी पार्ट को रोटेट करेंगे बाय 90 डिग्री आई I मीन mean, इस मालिक्यूल को अगर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा ये जो केवटी इस साइड है ये केवटी यहाँ की तरफ चली जाएगी मीन्स द मालिक्यूल विल लुक लाइक दिस केवटी अब हमारी इस लेफ्ट साइड आएगी तो यहाँ पे जो सी एच थ्री ग्रुप है ये यह यहाँ आ जाएगा दिस इज सी एच थ्री ग्रुप और दिस इज हाइड्रोजन ना जब हमने इस मालिक्यूल को सिर्फ नाइन्टी डिग्री रोटेट किया तो इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा ये जो क्लोरिन है ये रहेगा हमारा बिलो द प्लान ही और ये जो हमारा ओ OH ग्रुप है इट विल इट विल रिमेन एबो द प्लान ना अब हम इस मालिक्यूल को और 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं अगर हम इस मालिक्यूल को फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे 90 डिग्री रोटेट मीनस विल कीप दिस फिक्सड इसको रोटेट करेंगे मीनस ये क्यूटी जो लेफ्ट साइड है ये अब ऊपर की तरफ चली जाएगी ना तो क्यूटी विल बी फॉर्मड लाइक दिस आई एम रोटेट आप किसी भी तरह कुछ भी करके इस मालिक्यूल को किसी भी तरह घुमा सकते हो किसी भी तरह रोटेट कर सकते हो ना ये जो सी एच थ्री है अब ये यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा लेकिन हमने इन दो एटम्स के साथ कुछ नहीं किया मीनस ये जो हमारा ओ एच ग्रुप है ये एबो द प्लान ही रहेगा और ये जो हमारा क्लोरीन है ये बिलो द प्लान ही रहेगा दिस इज़ हाउ वी कैन रोटेट अ मालिक्यूल ये हम दिखा सकते हैं हम मालिक्यूल को कैसे रोटेट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम इस वेज uh, स्ट्रक्चर को फिशर में कन्वर्ट करेंगे तब हमें इसकी नीड पड़ेगी हम कैसे मालिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर मालिक्यूल को रोटेट करना नहीं आएगा देन इट इज़ इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न वाई बिकॉज फ़िशर प्रोजेक्शन में इससे बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊँगा हाउ वी कैन रोटेट अ मालिक्यूल सो so, कोई बात नहीं है फिर भी आप ट्राई करना इट इज़ वेरी इजी टू रोटेट द मॉलिक्यूल नाउ सी अब हमारे पास कहीं पे ऐसे भी मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है नाउ सी यहाँ पर हमें दिया हुआ है दिस ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है दिस ग्रुप दिस ग्रुप इंडिकेटर्स दैट इट लाइज अबो द प्लान क्लोरीन यहाँ पे अबो द प्लान है हमें पता है जो कार्बन होता है वो इन नेचर होता है दिस वन इंडिकेट्स इन इंडिकेट्स एबो द प्लेन ये जो ग्रुप है ये एबो द प्लेन है अगर यहाँ पे चौथा एटम कभी नहीं दिखाई गया हो तो वहाँ पे आप एज्यूम करना जहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड दैट हाइड्रोजन अपोजिट स्टीरोमिस्ट्री टू दैट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन अगर ये एबो द प्लान है तो ये हाइड्रोजन बिलो द प्लान होगा अगर ये बिलो द प्लान है तो ये हाइड्रोजन एबो द प्लान होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है बेंजीन लाइक -like स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप दिया हुआ है दिस इज ग्रुप ओ एच ग्रुप हमें पता है अब ये ओ OH एच ग्रुप जो है ये एबो द प्लान है तो यहाँ पे कोई और एटम नहीं है नाउ सी देयर इज ओनली वन बॉन्ड टू बॉन्ड थ्री बॉन्ड तो चौथा बॉन्ड जो होगा वो जरूर कहाँ होगा

ये वाला मॉलिक्यूल है यहां पे हमारा फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री है यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री है अब दीज टू आइटम प्लान बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड बाई इंडिकेट करेगा दिस ग्रुप इज एबो द्लान दिस ग्रुप इज एबो द्लान फॉर एग्जाम्पल इट इज ओ एच एंड दिस लाइन विल इंडिकेट दैट द ग्रुप इज बिलो द प्लान फॉर एग्जाम्पल इट इज क्लोरिन ना अब यहां जो है दिस इज केविटी दिस इज केविटी अब हम क्या कर सकते हैं अगर हम इसको वन एटी डिग्री रोटेट करेंगे वन एटी डिग्री रोटेट मीनस आई पास एन एक्सीज लाइक दिस एंड रोटेट दिस मालिक्यूल थ्रो वन एटी डिग्री अगर इस मालिक्यूल को वन एटी डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा केविटी जो नीचे की साइड थी वो केविटी ऊपर की साइड चली जाएगी ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा एंड दिस सी टू एच फाइव दट इज सी एच थ्री सी एच टू ग्रुप विल कम आवर हेयर ना क्या होगा अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं जो एबो द प्लान ग्रुप होता है वो बिलो द प्लान चलाया जाता है दिस इंडिकेट्स एबो द प्लान एंड दिस इंडिकेट बिलो द प्लान तो यहाँ पे क्या होता है जो एबो द प्लान ग्रुप है वो बिलो द प्लान चलाया जाएगा और जो बिलो द प्लान है वो एबो द प्लान चलाया जाएगा ना क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कोई भी स्ट्रक्चर आपको दी होगी आफ्टर आफ्टर वन एट्टी डिग्री रोटेशन वट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट तो केवटी पे डिपेंड करता है केविटी किस 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 साइड है जिस साइड केवटी है उस साइड जिस साइड केवटी होती है जिस साइड केवटी, केवटी होती है उस साइड हमें ग्रुप एबो द प्लैन लेना होता है वो क्या होता है दैट विल विल वी सी इन फिशर रिप्रेजेंटेशन आई होप आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन समझ में आई होगी

ट फिशर प्रोजेक्शन बाय टू लाइन एक लाइन हमारी ये होती है वर्टिकल लाइन और एक होती है इट रिप्रेजेंट कार्बन इट रिप्रेजेंट कार्बन अब कौन सा कार्बन उसको हम बाद में कैरल कार्बन कहेंगे ना ये जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो बिलो द प्लान होंगे मीनस दिस वर्टिकल लाइन इस वर्टिकल लाइन पे कौन से ग्रुप्स होंगे जो बिलो द प्लान होंगे द ग्रुप्स विच आर बिलो द प्लेन दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन पे कौन से ग्रुप होने चाहिए जो बिलो द प्लेन है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा कौन सा ग्रुप होगा एबो द प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे एबो द प्लेन ग्रुप होगा ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा कार्बन है हमने एक वर्टिकल लाइन खींची इस वर्टिकल लाइन में हमने कहीं बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप आएंगे वो एबो द प्लेन ग्रुप होंगे और इस वर्टिकल लाइन पे ग्रुप हों हुँ, जो होंगे वो बिलो द प्लेन ग्रुप होंगे मतलब इट इज़ इजी आपको एक लाइन खींचती है आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो यहाँ पे जो लाइन खींचते हैं जो हरिजॉन्टल लाइन होती है इसमें कौन से ग्रुप होते हैं इसमें ग्रुप एबो द प्लान रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ग्रुप बिलो द प्लान रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास एक ग्रुप एबो द प्लान है एक ग्रुप बिलो द प्लान है मीन्स एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा हम उसको देखेंगे कैसे होगा नासी क्या करेंगे हमारे पास कोई भी मालिक्यूल है किसी भी मालिक्यूल का हमें फ़िशर रिप्रेजेंटेशन बनाना है फॉर एग्जांपल फ़िशर रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी नंबर फर्स्ट रूल इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कोई भी कार्बन चेन जो दी हुई होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे शुड लाई ऑन वर्टिकल लाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड लाई ऑन वर्टिकल लाइन मीनज अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड दिया होगा इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स कार्बन एटम्स इस वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए दिस इज़ कार्बन वन दिस इज़ कार्बन टू यहाँ पे कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन फाइव कार्बन सिक्स तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें किस लाइन पे ड्रा करने हैं ऑन वर्टिकल लाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल लाइन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई कंपाउंड है दिस इज द कंपाउंड यहां पे फॉर एग्जाम्पल सी ओ ओ एच है यहाँ पे सी एच टू ओ एच है सी एच टू ओ एच है और यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे क्लोरीन है फॉर एग्जाम्पल यहां पे हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन इज बिलो द प्लान और यहाँ पे ओ एच एबो द प्लान है यहाँ पे ओ एच एबो द प्लान है और यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लान ये हमारे पास मालिक्यूल है इसका हमें फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो पहली बात है जो भी हम वर्टिकल लाइन डालेंगे उस वर्टिकल लाइन में सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए मीन्स वर्टिकल लाइन शुड इंक्लूड वन टू थ्री फोर कार्बन वर्टिकल लाइन पे ये वाले कार्बन एटम्स आने चाहिए अब इस मालिक्यूल में क्या है यहाँ से एक केवटी है यहाँ से एक केवटी है तो दो केवटी है अगर हम इस मालिक्यूल को थोड़ा घुमाएंगे थोड़ा घुमाएंगे मीन्स इस मॉलिक्यूल को ऐसे हम पलट के घुमाएंगे अगर इस मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो क्या होगा दिस इज आवर सी ओ एच एंड दिस इज आवर दिस कार्बन दिस इज आवर दिस कार्बन एंड दिस इज आवर सी ओ एच तो यहाँ पे क्या है हमारा सी ओ एच ये वाला कार्बन यहाँ पे है ये वाला कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे सी ओ एच अब हमें पता है इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप एबो द प्लान है एक ग्रुप बिलो द प्लान है तो ओ एच OH यहाँ पे एबो द प्लान है हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो द प्लेन है यहाँ पे भी ओ OH हमारा एबो द प्लेन है और हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो द प्लेन है अब इस वाले मॉलिक्यूल को हमें बनाना है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला तो पहला रूल क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द वर्टिकल लाइन इन कार्बन एटम्स की दिस इज कार्बन वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर इन कार्बन एटम्स को हम वर्टिकल लाइन लाएं पे लाएंगे ना दिस इज कार्बन वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर यहाँ पे हमारा सी एच टू ओ एच है ना नंबर सेकेंड रूल इज जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल एटम होगा उसको टॉप पे लेना है मीनज यहाँ पे सी ओ एच हैच मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल है इसलिए इसको टॉप पे लेना है द मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल इज टेकन एट द टॉप इज रिप्रेजेंटेड एट द टॉप एंड द लीस्ट ऑक्सीडाइजेबल एटम इज रिप्रेजेंटेड एट द बॉटम तो यहाँ पे OH को लिख लिखेंगे हमें पता है बीच में कितने कार्बन है एक और दो दिस 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 इज 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 वन कार्बन 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 अदर द द कार्बन दिसबन अब हमें क्वेश्चन पे आता है दिस इज कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर टू पे दो ग्रुप्स अटैच हैं कार्बन नंबर टू पे दो ग्रुप्स अटैच है एच और ओ एच अब एच को कहा लगाएंगे ओ एच OH कहा लगाएंगे कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल है यहाँ पे इस केवटी को देखना है जिस भी तरफ केवटी होगी उस तरफ हमें वो ग्रुप लगाना है जो द प्लेन होगा तो यहाँ पे जो केवटी है ये राइट साइड है द द द ऑन ऑन इज राइट साइड ये जो कार्बन नंबर टू, टू पेटी राइट साइड है इसलिए ओ एच को हम राइट साइड लगाएंगे यहाँ पे दिस इज ओ एच दिस इज एच क्या क्या इस कार्बन नंबर टू पे इस केवटी को देखा अगर केवटी राइट साइड है तो द प्लेन वाले ग्रुप को राइट साइड ही लेंगे अगर केवटी लेफ्ट साइड है तो द प्लान वाले ग्रुप को लेफ्ट साइड लेंगे मीनस हम द प्लान जो ग्रुप होता है उसको उस साइड लेते हैं जिस तरफ केवटी होती है तो यहाँ पे केवटी राइट साइड है इसलिए हमने ओ एच जो द प्लान है उसको राइट साइड लिया यहाँ पे केवटी लेफ्ट साइड है इसलिए ग्रुप यहाँ एबोदा प्लान ओ एच है इसको हम लेफ्ट साइड लेंगे इसको लेफ्ट साइड लेंगे बस बहुत सिंपल है कैसे हम किसी भी किसी भी वही शेपड स्ट्रक्चर सॉलिड वाइशेपड स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या करना है सिर्फ इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट करना है उसके बाद केविटी देखनी है जहाँ जहाँ की जिसकी जिस भी डायरेक्शन में केवटी होगी उसी डायरेक्शन में हमें वो ग्रुप लगाना है जो एबो द प्लान होगा और जिस डायरेक्शन में केवटी नहीं होगी वहाँ कौन सा ग्रुप लगाना है बिलो द प्लान तो ये वाला ग्रुप हमारा एबो द प्लान होगा ये वाला ग्रुप बिलो द प्लान ना अब हमें क्या करना है लेकिन ये लाइन करती है ग्रुप्स बिलो द तो हमें फिर इसको रोटेट करना है अब हम हम को रोटेट नहीं करेंगे जब पढेंगे तब मैं यहाँ पे करूंगा। rule, see, rules, तो कितने रूल हैं तीन रूल हैं नंबर फर्स्ट क्या है फर्स्ट रूल है जो जितने भी ज्यादा कार्बन एटम्स होने चाहिए वो सारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने चाहिए सेकंड रूल क्या है सेकंड रूल ये है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल एटम है वो टॉप पे होना चाहिए और जो लीस्ट ऑक्सीडाइजेबल एटम है वो बॉटम पे होना चाहिए मीनस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं हम वेज शेप्ड स्ट्रक्चर को डैश वेज शेप्ड स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाली स्ट्रक्चर चेंज करनी है इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास है इसको हमें कन्वर्ट करना है इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे सी एच थ्री है यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ पे हमारा क्लोरीन है और यहाँ पे हमारा ओ OH एच है यहाँ पे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ओ एच है और यहाँ पे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोमीन है अब इसको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कुछ नहीं करना है जिस भी लाइन जि, मतलब फर्स्ट पहले हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे उनको हम वर्टिकल लाइन में लेंगे वन टू थ्री फोर इन कार्बन आइटम्स को वर्टिकल लाइन में लेंगे दिस इज़ कार्बन वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन वन पे सी एच थ्री कार्बन फोर पे सी एच थ्री अब देखना है यहाँ पे इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी ये राइट right साइड होंगे या लेफ्ट साइड होंगे बहुत ही ईजी है यहाँ पे क्यूटी लेफ्ट साइड है अगर केवटी लेफ्ट साइड है तो द प्लेन वाला ग्रुप भी लेफ्ट साइड आएगा यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे ओ एच यहाँ पे केवटी राइट साइड है तो द प्लेन वाला ग्रुप राइट साइड आएगा यहाँ पे ओ एच यहाँ पे ब्रोमीन बहुत ईजी है बस इसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कुछ भी नहीं है आपको केवटी का ख्याल रखना चाहिए जहाँ की तरह जिस जिस भी डायरेक्शन में केवटी है उस डायरेक्शन में आपको रिप्रेजेंट करना है ग्रुप वो ग्रुप जो अबो द प्लेन होगा और उस डायरेक्शन में जो बिलो द प्लेन होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको कन्वर्ट करना है एक दो एग्जांपल और, और करेंगे हमारे पास में ये वाला कंपाउंड है ये वाला कोई कंपाउंड है यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी एच ओ है यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी एच टू ओ एच है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे ओ OH एच है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे ओ OH एच है सिमिलरली यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे ओ OH एच है लाइक दैट इन शुगर है सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे ओ OH, एच तो इसको हमें कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स कार्बन एटम्स को वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन वन एट द टॉप स्पेसिएच ओ है मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल है at the bottom, ये एट द बॉटम ये लीस्ट ऑक्सीडाइजेबल है ना हमारे पास छह कार्बन आइटम है दो आए दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स ना अब कार्बन टू की स्टीरोमिस्ट्री देखनी है कार्बन टू की कहाँ है राइट साइड तो राइट साइड में क्या होगा ग्रुप एबो द प्लान मीन ओ एच यहाँ होगा एच यहाँ होगा कार्बन थर्ड की केविटी कहाँ है लेफ्ट साइड इस साइड इसकी इक्केटी है तो इसी साइड में हमारा वो ग्रुप होगा जो एबो द प्लान है यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन फोर्थ की इस कार्बन फोर्थ की केवटी कहाँ है राइट अगर राइट में केविटी है तो जो ग्रुप एबो द प्लान है वो राइट जाएगा ओ एच हियर एच हियर ना कार्बन फिफ्टी की केवटी कहाँ है लेफ्ट अगर लेफ्ट में है तो एच एबो प्लेन ग्रुप वहीं जाएगा जहां केवटी है प्लान हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ ओ एच यहाँ दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वेज शेपड स्ट्रक्चर इंटो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी वेज शेपड स्ट्रक्चर इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इंटू वेज डैश स्ट्रक्चर दैट इज रिवर्स ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इंटू वेज डैश स्ट्रक्चर फॉर एक्जाम्पल हमारे पास ये वाला कंपाउंड है हमारे पास ये वाला कंपाउंड है इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है और यहाँ पे हमारा ओ OH एच है इसको हमें बनाना है क्या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स हैं वन टू थ्री फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी एच थ्री है यहाँ पे सी टू एच फाइव है वन टू थ्री तो यहाँ पे हमने तीन कार्बन आइटम्स वर्टिकल लाइन में लिए ज़्यादा कार्बन आइटम्स को वर्टिकल लाइन में लेना है यहाँ पे सी टू एच फाइव और यहाँ पे सी एच थ्री ना अब देखो यहाँ जो केवटी है केवटी इज ऑन द लेफ्ट केवटी हमारी लेफ्ट साइड है या यहाँ पे आप सी एच थ्री लिखो कोई बात नहीं है फिर हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं केवटी लेफ्ट साइड है तो जो ग्रुप एबो द प्लान है वो लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पे ओ एच OH, यहाँ पे एच दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वेज सॉलिड डैश सॉलिड वेज शेपड स्ट्रक्चर वेज डैश स्ट्रक्चर इंटोफिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है कैसे करके भी हम किसी भी वेज स्ट्रक्चर को कहाँ चेंज कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर